एंड वेलकम गाइस टू इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल। वाह, सो गाइस फ्रॉम मुंबई कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये साल आपको बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स दिखने वाले हैं एंड मुंबई स्टार्टिंग फ्रॉम अटल सेतु जो कवर हो चुका है, हमने भी कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। एंड नाउ इट्स टाइम कि कोस्टल रोड भी हम चले जाए क्योंकि कल ही इनॉग्रेट हुआ है और इनॉग्रेशन हालांकि फेज वन का एक पार्ट ही हुआ है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शुरुआत तो हो ही गई है। और आज हम जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे मुंबई कोस्टल रोड, ऑल्सो नोन एज धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड। और अब तक शायद आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लवर हूँ, बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहता हूँ। शायद मैं व्लॉग्स में बताता नहीं हूँ, लेकिन आई जस्ट लव दीज थिंग्स। और आज तक मैंने बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी कवर किए हैं, जितना हो सके उतना। स्वागत है मेरे चैनल पे, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक, वेलकम टू दिस व्लॉग। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये जो पूरा कोस्टल रोड है ये फेजेस में कंप्लीट हो रहा है, तो ये फर्स्ट फेज का थोड़ा सा पार्ट है जो अभी ओपन हुआ है, लेकिन फर्स्ट फेज पूरा ओपन नहीं हुआ है। और जो पूरा बनने वाला है वो बनने वाला है फ्रॉम मरीन ड्राइव टू कांदिवली, तो वो तो चलो आगे बनेगा, वो अभी बना नहीं है। वैसे ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को एंड डू लाइक दिस वीडियो ताकि काफी सारे लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच जाए। लाइक किए बिना मत जाओ। जब भी मैं अपने मसकली निकालता हूँ हमेशा गंदी रहती है। देखो भाई बाहर का भी कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा है पूरा फॉग है। चलो ठीक है, अभी योगी क्या पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा पानी भी मार लेते हैं। नया नया हाईवे यार, इतना बड़ा कोस्टल रोड बना है, इतना खर्चा करके गाड़ी तो क्लीन होनी चाहिए ना। अच्छा लगता है क्या गंदी गाड़ी ऐसी जगह पे लेके जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी फ्लाईओवर बन रहा है शायद, यस। लो जी हो रही अपनी गाड़ी वॉश है, डिटेलिंग योगी, और कहाँ जाएंगे भाई, अपने दोस्त का है। वैसे दोस्तों हमारी हिमालयन का अपडेट आ चुका है, बस 1 से 2 दिन में डिलीवरी होगी। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक मीटअप करूँ, गाड़ी अनवील करूँ, वो प्लान करना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट डालूंगा, मीटअप होने वाला है यहीं पे और गाड़ी भी आपको दिखाऊंगा। अरे आइए आइए, कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। तो चलो हम लोग निकल चुके हैं फ्रॉम ठाणे। वैसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा आज और जितना हो सके उतना दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं ड्रोन नहीं उड़ा पाऊंगा क्योंकि ये सिटी लिमिट में आता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना अपन ट्राई करेंगे। और अभी दोपहर के 3 बजे है, दोपहर को निकले क्योंकि ट्रैफिक कम होती है, तो फटाफट ट्रैफिक के पहले हम लोग रिटर्न आने का सोच रहे हैं। भाई तूने खाना खाया? नहीं खाया। चल एक काम करते, थोड़ा खा लेते हैं और उसके बाद फिर निकल के। मैंने भी खाना नहीं खाया यार, थोड़ा पेट पूजा। पेट पूजा भाई, अपने पास 4-4 मैक्स प्रोटीन है, 2 तू का 2 मैं खाऊंगा, शाम तक भूख भी नहीं लगेगी। सो गाइस हमेशा मैं जब बाहर जाता हूँ, आपको तो पता ही होगा, आई ऑलवेज कैरी मैक्स प्रोटीन एनर्जी बार्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं, प्लस भूख आपकी काफ़ी हद तक मिट जाती है। और उसका रीजन है बिकॉज यू हैव 10 grams ऑफ प्रोटीन इन दिस एनर्जी बार। बाय द वे ये वाला जो है मैक्स प्रोटीन का, ये डेली एनर्जी बार है। अगर आपको बड़ा वाला चाहिए तो दे ऑल्सो हैव दिस एक्टिव एनर्जी बार, तो इसमें 10 grams ऑफ प्रोटीन, 5 grams ऑफ फाइबर, विटामिन ए सी एंड ई, और आपको 2 घंटा इससे आराम से भूख मिट जाएगी, भूख नहीं लगेगी। प्लस यू गेट ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, ओमेगा 3, प्रोटीन। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। और यूजुअली हम जब बाहर प्रोटीन बार्स खाते हैं तो उसका एक अलग से अजीब सा टेस्ट होता है, लेकिन इट्स नॉट द केस विद मैक्स प्रोटीन डेली एनर्जी बार्स और एक्टिव एनर्जी बार्स। इनकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप प्रोटीन बार खा रहे हैं, प्लस यू गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट नेसेसरी कॉन्टेंट ऑफ अ प्रोटीन बार। वैसे इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट फ्लेवर, फ्रूट एंड नट बार। वैसे ये वाला भी मेरा काफ़ी फेवरेट है, ये है कोको बेरी बार, इट्स ऑल्सो वेरी नाइस। देखो कौन सा चाहिए, ये वाला फ्रूट एंड नट। चलो ठीक है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। और सबसे अच्छी बात, ये प्री बायोटिक है, दिस हैज़ 0 added sugar एंड दिस हैज़ ऑल्सो गॉट अमाइनो एसिड, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, यूजिंग माई कूपन कोड WONDER20 आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन एनी मैक्स प्रोटीन प्रोडक्ट। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड ऑन maxprotein.in। और चाहिए तो बताना है अपने पास, डू चेक द डिस्क्रिप्शन गाइज। तो दोस्तों आज जो हम प्रोजेक्ट देखने जा रहे हैं ये है मुंबई कोस्टल रोड, 12,000 crore का प्रोजेक्ट है और MMRDA इसको बना रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है आपको, ये पूरा जो रोड है ये बना हुआ है रिक्लेमेटेड लैंड पे, मतलब समुंदर में जगह हमने क्रिएट की है, बेसिकली समुंदर के पानी को धक्का दिया पीछे
जमीन बनाई और फिर उसके ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। और ये प्रोजेक्ट जो आपने शायद देखा होगा वर्ल्ड क्लास, मतलब उसके जो इंटरचेंजेस और ये सब चीज़ें आपको लगेगा कि भाई ये कहाँ दुबई में आगे क्या, इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में बन रहा है, इनफैक्ट पूरे इंडिया में बन रहा है। तो जो लोग मुंबई से नहीं है उनको मैं बता दूं कि कोस्टल रोड एक्चुअली क्या है और उससे क्या फायदा होने वाला है फॉर मुंबई पीपल। तो देखो ये जो हम करंट हाईवे पे है ये है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। मुंबई में दो मेजर हाईवे जाते हैं टूवर्ड्स द साउथ फ्रॉम नॉर्थ। मुंबई जैसे आपको पता है एक आइलैंड है, तो एक ट्रायंगुलर ऐसा आइलैंड है, इसकी वजह से डायरेक्शनल ट्रैफिक होती है मुंबई में। मुंबई में चारों डायरेक्शन में ट्रैफिक नहीं हो सकती क्योंकि तीन साइड से समुंदर है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी ट्रैफिक होती है मुंबई में वो इधर नॉर्थ टू साउथ होती है या साउथ टू नॉर्थ होती है मेजर ट्रैफिक। तो इसीलिए ये जो हाईवे है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो वेस्टर्न लाइन में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वेस्टर्न लाइन का जो ट्रैफिक है, मतलब अगर साउथ बॉम्बे से किसी को निकलना है शाम को ऑफिस से घर जाना है तो उनको आराम से दो घंटा डेढ़ घंटा कहीं नहीं गया कि देर इज ऑल द टाइम कंजेशन ऑन दैट रोड। और इसीलिए कोस्टल रोड इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोस्टल रोड क्या कर रहा है, वो रोड को स्किप कर रहा है और डायरेक्टली मुंबई के लिए एक बाईपास बना रहा है एंड इट विल बी कम्प्लीटली एक्सेस कंट्रोल, इसमें कोई भी घुस नहीं सकता है, कम्प्लीटली ग्रीन बना है, ग्रीन फील्ड है। और इसका फायदा ये होता है कि सीमलेस ट्रैफिक होती है, जैसे अटल सेतु है सीमलेस ट्रैफिक क्योंकि बीच में कोई आ नहीं सकता। ओके सो पहुंच चुके हैं दादर, अब यहां से हमको एक राइट टर्न मारना है। तो दादर टीटी से हम राइट मारेंगे और वर्ली की तरफ जाएंगे। पुराने कॉलेज के दिन याद आ गए, ये एरिया में मैं बस से आता था, मतलब लोकल से आके फिर बस यहाँ से पकड़ता था और फिर यहाँ से 110 पकड़ के सीधा वडाला। तो ये वाला थिएटर देखो प्लाजा सिनेमा, हमारे कॉलेज के टाइम पे हम यहाँ पे बहुत पिक्चर देखते थे, मतलब एग्जाम हो गई कि यहाँ पे प्लाजा में पिक्चर फिक्स था हमारा। तो आ गए जी हम यहाँ पे वर्ली सी लिंक के एरिया में और यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं ये काम जो शुरू है, ये कोस्टल रोड का ही है शायद। तो अभी हमें ये देखना है कि यहाँ से कोस्टल रोड शुरू कहाँ से हो रहा है। तो अभी हम जहाँ पे आए हैं यहाँ से वर्ली एंड है बैंड्रा वर्ली सी लिंक का, एग्जैक्टली मेरे पीछे मतलब ये साइड में वहाँ पे आपको ब्रिजेस दिख रहे होंगे। तो ये है कोस्टल रोड का और ये कनेक्ट होगा बैंड्रा वर्ली सी लिंक को यहाँ पे, वो देखो वो ब्रिज। तो यहाँ पे देखो आप इंटरचेंज आपको दिख जाएगा, इधर यू गो टू बैंड्रा वर्ली सी लिंक और यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से शायद कोस्टल रोड आ रहा है और वो ऐसा जाएगा। बाय द वे ये जो एरिया है वन ऑफ द मोस्ट इलाइट एरियाज इन मुंबई, यहाँ पे अगर आपको घर लेना है तो कितना 50 करोड़ का इधर कुछ नहीं मिलता है, सही है, अमीरों के शौक। तो अभी थोड़ा हम देखते हैं कि एग्जैक्टली शुरू कहाँ से हुआ है और फिर आपसे मिलता हूँ। अब ये लोग कहाँ से जा रहे हैं समझ में आ रहा है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मे बी कोस्टल रोड जा रहे हैं, तिकडे फुल लावलेत बघा ना। ओके गाइस आई कैन सी यहाँ पे एक इंटरचेंज है बहुत बड़ा और उसके ऊपर कार भी जा रही है, पोस्टल रोड ज्वाइन कर लेंगे। ये देखो ये वाला, ये कार से ऊपर जा रही है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाइक्स नॉट अलाउड, ऑटो ऑटो कुछ भी नहीं, यही है। हो गया जी शुरू, हम लोग कोस्टल रोड पे लग चुके हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बॉस मुंबई में। या देखो बड़ा बड़ा इंटरचेंज का काम शुरू है, लेकिन हालांकि मुझे नहीं लगता अपोजिट साइड शुरू हुई है अब तक, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन शुरू है आई थिंक फ्रॉम वर्ली टू नरीमन पॉइंट। और गाइज मैं वर्टिकल इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि रील्स भी बनानी होती है, इसीलिए वीडियो में ये पार्ट थोड़ा वर्टिकल होगा, प्लीज़ बेयर विथ मी। और ये देखो वाओ, हाजी अली दरगाह वहाँ पे है और यहाँ पे बहुत ही बड़ा इंटरचेंज, व्हाट अ व्यू बॉस, क्रेजी। अरे वहाँ से भी कार आ रही है, वो क्या, तो इसका मतलब है गाइज वर्ली सीलिंग के वहाँ से भी कोस्टल रोड शुरू हुआ है, जहाँ पे हमने देखा था वो नीचे से इसको ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक और इंटरचेंज है, क्या हाईवे बॉस कितना बड़ा है। और हाजी अली दरगाह कितना पास आ गया देखो, पहले ना यहाँ पे समुंदर हुआ करता था, रोड के बाजू में समुंदर, लेकिन अभी उसको पुश कर दिया है। अभी ये एक ही साइड शुरू है, दूसरा साइड शुरू हुआ नहीं है, वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। तो अगर आपको फिलहाल के लिए ट्रैवल करना है एज ऑफ नाउ, टुडेज डेट इज 12th मार्च, तो आपको वर्ली से नरीमन पॉइंट ऐसे ही जाना पड़ेगा, रिटर्न जर्नी नहीं कर सकते हो आप। और अच्छा खासा है गाइस, देख सकते हैं आप 4 लेन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं नरीमन पॉइंट इज स्ट्रेट, मंत्रालय स्ट्रेट, और यहाँ से एक लेफ्ट है वो वाला इंटरचेंज, देसाई रोड, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वेलकम गाइस टू इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल, वाह।
ये आगे जी जिंदगी में पहली बार अंडर सी टनल में एंट्री कर रहे हैं हम। व्हाट अ फीलिंग, व्हाट अ फीलिंग। 60 की स्पीड है तो यहाँ पे स्पीड लिमिट सेट है, बाहर शायद 80 थी। इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल, वाओ व्हाट अ फीलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा टर्न है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री जैसा टर्न है। जगह जगह पे यहाँ पे एग्जिट पॉइंट्स दिए हैं। तो यहाँ पे इंडिया में पहली बार मैंने सुना है सकार्डो वेंटिलेशन सिस्टम लगाया है, विच इज़ द बेस्ट इन क्लास। यहाँ पे देखिए आप एग्जिट पॉइंट्स है जगह जगह, और हम राइट नाउ 75 मीटर नीचे है गाइस, मतलब ऑलमोस्ट 25 स्टोरी बिल्डिंग 22 से 25 माले ऊपर ज़मीन है, और वी आर क्रॉसिंग मलबार हिल। मलबार हिल के नीचे से जा रहे हैं। कभी सोचा था अपनी ज़िंदगी में कि मलबार हिल के नीचे से मुंबई में एक टनल बनेगा जो समुंदर के नीचे से भी जाता है? और थोड़ी देर में हम गिरगा चौपाटी के नीचे से जाएंगे और हम निकलेंगे सीधा नरिमन पॉइंट। 6 लेन मतलब 3 लेन एक साइड में, और ऐसे ही दूसरा टनल वहाँ पे है जो अभी शुरू नहीं है, एक साइड इन्होंने शुरू कर दिया है। जगह जगह पे यहाँ पे टेलीफोन बूथ्स है, एवरीवेयर देर आर कैमरेज, मतलब यहाँ पे आप अगर रूल ब्रेक करोगे तो वेरी हाई चांसेस की चालान कटेगा। और ये टनल जो है ये अराउंड 2 किलोमीटर्स का है, और इंडिया में सबसे बड़ी आज तक टनल बोरिंग मशीन जो यूज़ की है वो यहाँ पे की है, उसका नाम हमने रखा है मावड़ा, और उसने सबसे फास्ट काम किया। मतलब ये जब काम हुआ था शुरू, ये ब्रिज का, ये पूरे कोस्टल रोड का सबसे पहले टनल कंप्लीट हुआ था। भाई मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। सेम, मुझे भी नहीं हो रहा। ये तो अपन मलबार हिल के नीचे है। आई थिंक अभी अपन ना गिरगा चौपाटी के नीचे है। हाँ। शायद अभी टनल खत्म होने पे आ गया है और हम लोग गिरगा चौपाटी ऑलरेडी क्रॉस कर लिए भाई। ओ माय गॉड, बिलीव ही नहीं हो रहा है। हाजी अली से हम नरिमन पॉइंट पहुंच रहे विद इन 5 मिनट्स। लेस देन 5 मिनट्स एक्चुअली। और यहाँ पे हो रहा है टनल खत्म, मरीन लाइन्स कालबा देवी टू द लेफ्ट, मंत्रालय नरिमन पॉइंट स्ट्रीट। क्रेजी। और ये ऊपर पूरी फेंसिंग करके रखी है, मतलब बारिश का पानी और ये सब चीज़ें अंदर आने की कोई संभावना नहीं है। बहुत ही बढ़िया, अनबिलीवेबल भाई। प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर आ गए मरीन लाइंस भाई। दिस इज क्रेजी भाई साहब। पता ही नहीं चला कब टनल में गए, कब समुंदर के नीचे गए, कब गिरगा चौपाटी गया, कुछ पता नहीं चला। वेरी नाइस। विदिन 5 मिनट्स वर्ली से यहाँ कैसे पहुँच गए? मतलब आदत नहीं है ना, यूजुअली गोल घूम के जाना होता है और बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। अभी हम चाहे तो हम सीधा नरिमन पॉइंट में बैठ भी सकते हैं, टाइम पास भी कर सकते हैं, लेकिन चलो अभी फ़िलहाल तो टाइम नहीं है। तो मुझे लगा था कि कोस्टल रोड दोनों साइड से खुला है, लेकिन नहीं, आपको अगर अभी एज ऑफ मार्च आना है तो आपको वर्ली से आना पड़ेगा। आप यहाँ से कोस्टल रोड से नहीं जा सकते साउथ बॉम्बे से, क्योंकि यहाँ से खुला नहीं है। तो वर्ली से आएंगे तो खुला मिलेगा। आप बैंड्रा वर्ली सीलिंग जहाँ एंड होता है वर्ली साइड में, वहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। वहाँ पे शायद हमने ट्रैफिक देखी थी, वहाँ से एंटर होता है। और अगर वहाँ से नहीं तो आप हाजी अली के पहले एट्रिया मॉल के पास आप फ्लाईओवर चढ़ सकते हो, जैसे हम चढ़े और डायरेक्टली आप आ सकते हो। वहाँ से आप लिटरली 10 मिनट्स में आ जाओगे, 10 मिनट्स भी नहीं। वैसे सोचने पूरा बनने के बाद क्या क्या ही हो जाएगा, ईजी, खतरनाक हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। मुंबई वालों के लिए तो बून हो जाएगा, बून। तो देखो ये जो पूरा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ना मुंबई में, इससे मुंबई में एक रिंग रोड बन जाएगा। रिंग रोड कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अहमदाबाद से आ रहे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आओगे या तो नॉर्मल हाईवे से आओगे, वसई विरार के वहाँ कहीं से तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लेफ्ट मारता है टूवर्ड्स JNPT, तो वो पकड़ के आप JNPT तक जा सकते हो। JNPT मतलब नवी मुंबई के आसपास आता है वो एरिया, और मुंबई का पोर्ट है वो। तो JNPT के पहले अटल सेतु आएगा, अटल सेतु से आप राइट मारोगे, वहाँ पे सीधा आपको साउथ बॉम्बे छोड़ देगा। फिर वहाँ से वर्ली का एक्सटेंडर है जो बन रहा है अटल सेतु का, वो सीधा ज्वाइन करेगा कोस्टल रोड को,
तो वहां से सीधा कोस्टल रोड, कोस्टल रोड से पूरा कंप्लीट होने के बाद सीधा कांदिवली, कांदिवली से आप डायरेक्टली वेस्टर्न लाइन विरार, मतलब पूरा मुंबई का ऐसा एक गोल हो जाएगा। तो आपको आप बाहर से जब भी आओगे फ्यूचर में, तो आपको मुंबई में सपोज पुणे से आ रहे हो, आपको वर्ली जाना है, तो यू डोंट हैव टू क्रॉस द सिटी नेक्स्ट टाइम, आप अटल सेतु से सीधा कोस्टल रोड को ज्वाइन हो जाओ, वहां से सीधा वर्ली ब्रिज, वर्ली टनल। जैसे आप नासिक से आ रहे हो, आपको साउथ मुंबई जाना है, सेम मतलब वैसे ही, वो जेएनपीटी का पकड़ो, वहां से अटल सेतु पकड़ो, यहां आ जाओ, सॉर्टेड। और सबसे अच्छी बात भाई, सबसे अच्छी बात, कोस्टल रोड टोली नहीं है, फ्री टोल नहीं, हाँ फ्री है, फ्री है, पता नहीं है कैसे कर लिया, लेकिन फ्री है, मुंबई वालों को अच्छा हो गया, एटलीस्ट जो होने वाला टोल था वो बच गया अपना। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, अगर कुछ भूल गया हूँ तो कमेंट जरूर करना, आपको मैं बता दूंगा कि क्या है। सही है, ऐसा लगता है वापस जाए, लेकिन वापस जाने का रास्ता ही नहीं, रास्ता नहीं है, वन वे है, बस वन वे है, अगर रास्ता होता तो यू टर्न मार के वापस जाते, वैसे चले जाते हैं वापस, चलो कोई नहीं। तो आगे जी CSMT, और यहाँ पे बोरा बाजार है, अब कुछ लेने के लिए है नहीं, ऊपर से लेने के लिए पैसा भी नहीं है, तो अभी कुछ ले नहीं रहा हूँ, नहीं तो बोरा बाजार एक राउंड मार के आने की सोच रहा था मैं, लेकिन छोड़ो अभी, वैसे भी ट्रैफिक के पहले घर जाना है यार, बाद में ट्रैफिक बढ़ जाएगी। ये देखो मुंबई की नई डबल डेकर बस, नए मुंबई की नई बस, पूरी एसी है, पुरानी बस में एसी नहीं था, तो पुराने अभी उन्होंने सब रिटायर कर दिए और सारे बसेस एसी कर दिए, और ईवी, ईवी ऊपर से। ओके, तो यहाँ आ गए हम ईस्टर्न फ्रीवे पे, और यहाँ से है अटल सेतु का रोड, तो ये ऊपर से ब्रिज जा रहा है। अब अगर आपने मेरा अटल सेतु का वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखना। ये देख अभी क्या होने वाला है, ये अटल सेतु है ना, यहाँ से वर्ली एक्सटेंशन का बन रहा है, ये देखिए पिलर्स दिख रहे ऊपर, हाँ ये वर्ली एक्सटेंशन का काम शुरू है, तो यहाँ से सीधा ये हाईवे ऊपर से वर्ली की तरफ जाएगा, अपना कोस्टल रोड की तरफ, तो वहाँ से कोस्टल रोड पकड़ लेने का, सॉर्टेड। बस थाने के लिए कुछ बना दो, थाने के लिए चलो छोड़ो मत बनाओ, थाने बोरीवली का जो टनल वाला प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीट कर दो बस। आ गए जी वापस, डिटेलिंग योगी, और यहाँ पे जो आए हैं वो स्पेशल गेस्ट है, वो आपको मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, तो गैस करो गाइस, गैस करो कौन है, गाड़ी देख के शायद मालूम पड़ेगा, क्या बात है यार, क्या बात है, कोलाब पे कोलाब, खतरनाक। बाय द वे योगी ने कुछ दिन पहले नील की गाड़ी को PPF किया था। आ गया गेस्ट आ गया, आपको दिखाता हूँ बाद में। ऑलराइट लेट्स गो होम, काफी टाइम हो गया है। वैसे कोस्टल रोड का थाने वालों के लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स पूरा सब कुछ बन जाने के बाद थाने वालों को भी फायदा हो जाएगा। आई जस्ट विश कि अभी थाने वालों को भी कुछ प्रोजेक्ट दिया जाए, बोरीवली टनल और ये सब हो जाए, ताकि घोटबंदर का जो ट्रैफिक है ये वाला ये कम्प्लीट हो जाए। एनीवेज थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, मैं पूरे इंडिया घूमते रहता हूँ, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते रहता हूँ, रिसेंटली मैंने थाईलैंड ट्रिप भी की है, उसके पहले मैंने अयोध्या राम मंदिर की राइड भी की है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स दे दूंगा, अगर आप नए हो तो चेक कर सकते हो, मेरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, डू सब्सक्राइब एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। बस अभी हमारी हिमालयन 450 आने वाली है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखो, क्योंकि मीटअप रखने वाला हूँ, तो सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम पे दूंगा मैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, भटकते रहिए, एंड सपोर्ट करो यार चैनल को, थोड़ा सा लाइक बटन हमेशा दबाया करो, ताकि हमारा चैनल, अब जो मेहनत हम कर रहे हैं, सब चीजें करते हैं, एकदम प्रॉम्प्ट शूट करके आपको वीडियोस देते, इन्फॉर्मेशन देते, तो उसके लिए बस आपका एक लाइक चाहिए होता है, लाइक चाहिए और सब्सक्राइब का बटन चाहिए, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।